ಅದೇ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೋ 390 ಸಿಸಿ ಹೇ ಯೇ ಬೈ 650 ಸಿಸಿ ಹೇ ತೋ ಪವರ್ ಏಕದಮ್ ಬಹುತ್ ಬಡಿಯಾ ಹೋನೆ ವಾಲಾ ಹೈ ಹಾಯ್ तो आज हमारे पास है मीटियर 650। तो मैं हूं आपका होस्ट रिजवान। तो होप करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। तो चलो आज है हमारे पास सुपर मीटियर 650। पहले स्टार्ट करेंगे इंजन के साथ। तो इंजन आता है इसका पैरेलल ट्विन, मतलब 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन जो प्रोड्यूस करता है 48 bhp विद 52.3 nm टॉर्क। तो थोड़ा मतलब यहाँ से इंजन से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर अपने को मिलेगा थोड़ा ह्यूज टैंक, 15.7 लीटर्स का टैंक। तो भाई देखने में एकदम हार्ले डेविडसन की जैसे दिखती है। ट्विन एग्जॉस्ट मतलब मिनिमल सा साउंड है, जैसे कॉन्टिनेंटल GT होती है सेम वैसे ही रॉयल एनफील्ड के जैसे, मतलब आपको टॉगल स्विच ही है। यहाँ पर पास लाइट और इंडिकेटर जो है सब टॉगल जैसे ही मिलता है। पहले इसका डिस्प्ले चेक कर लेंगे। डिस्प्ले में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिल गया स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको क्लॉक, गियर इंडिकेशन, ट्रिप, और ये आपका हो गया डिजिटल नेविगेशन। यहाँ पर फ्यूल मतलब फ्यूल लो होगा तो शो करेगा। यहाँ पर भी फ्यूल इंडिकेशन है डिजिटली में ही, थोड़ा मतलब लाइट ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है ना तो फोकस नहीं हो पा रहा है कैमरा। बैटरी, ABS, इंजन और फ्यूल। तो सबसे पहले इसको बैठ के दिखाता हूँ। ओह भाई एकदम ब्रॉड, एकदम जैसे मतलब एकदम ब्रॉड है और सिटिंग पोस्चर जो है ना एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले बाइक का आवाज़ सुन लो। तो पैरेलल ट्विन इंजन की बात ही यही है, तो साउंड जो है ना एकदम एक जगह साइड पर रुक के ना इसका साउंड सुनाता हूँ कैसा लगता है। सबसे पहले घुमाने दो। अरे 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 मैं अपना RC की जैसे पीछे डकिंग कर रहा था, इसका सामने आगे है। अरे भाई एकदम जैसे महाराजा के जैसे बैठ के, तो जैसे राजा महाराजा बैठते हैं ना वैसे पैर एकदम फैला के। और भाई हैंडलिंग एकदम बढ़िया है। नाइट में थोड़ा ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि डे में इसकी मतलब बुकिंग हो चुकी थी उसके लिए। तो भाई वो भाई एकदम मतलब पावर एकदम भर के है। बोल रहा हूँ ना पावर के इसमें नो कॉम्प्रोमाइज भाई। यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की तरफ से भाई मैं बोल रहा हूँ इसका एक्चुअल जो प्राइस है वो 4,25,000, ये देखो 4,25,000 के अराउंड कुछ होता है विथ एडवल मतलब एसेसरीज के साथ। इतने में आपको मतलब 390 मिलती है, उतना पावर नहीं मिलता। यहाँ तक पहले गियर में ही ये खींच के लेके जा रही है। तो यहाँ पर एक साइड में रोक देते हैं थोड़ा साइड में, तो मैं बता पाऊँगा कि कैसे मतलब साउंड कैसे कर रही है ये। पर्टिकुलर न्यूट्रल न्यूट्रल में हो गई साइड में भाई। सही में इसका इंजन पे अगर टच हो गया ना, इंजन पे अगर टच हो गया तो भाई तुम्हारा पैर चला गया, बात को समझो। और यहाँ पर आपको LED सेटअप मिलता है और इंडिकेटर्स देखते हैं हेलोजिन होगा मेरे ख्याल से। हाँ हेलोजिन है, ये भी हेलोजिन है और बैक साइड में भी हेलोजिन है, लेकिन बैक लाइट जो है वो LED है। तो एकदम आवाज़ एकदम सुनने का लेफ्ट साइड से। एकदम बॉक्सर जैसे साउंड कर रहा। तो चलो और एक वो मतलब पहले मतलब फर्स्ट गियर में है ना ट्राई करते हैं कितना मतलब लेके निकलती है। अब हाँ ना
PR-48 है। क्या चल रहा है? PR-48 PR-48 TR फुल राइडिंग है। हाँ अंदर बाइक सोचा लॉन्च आगे थला अदु मारा दो डेली राइड्स मारा दो अदे ये ला नंदे वीडियोस हेल्प रहा था इल्ले क्या मारते हैं तो इसका पहला मतलब जो है ना एक फर्स्ट गियर में भाई युक 390 से भी ज़्यादा मतलब पावर निकल के आ रहा है इसका। तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि भाई 390 की जगह पर ओहो 390 की जगह पर आप ये ले सकते हो। ये क्योंकि ना भाई एक आपको राइडिंग पोस्चर जो है ना वो थोड़ा अच्छा खुल के मिलता है और कंफर्टेबल एकदम है। ड्यूक के जैसा नहीं कि आप थोड़ा बहुत चलाओगे बोर हो जाओगे, लेकिन भाई पावर बहुत है, पावर और ब्रेकिंग एकदम बढ़िया है। जितना आप इसको पे करते हो ये आपको मतलब उतना जस्टिफाई मतलब उस प्राइस रेंज पे है ना ये जस्टिफाई करती है। तो भाई सही बता रहा हूँ, बाइक हो तो ऐसी हो लेकिन अभी इतना बजट नहीं है कि ऐसे पॉकेट और रॉकेट को लेके मतलब पॉकेट नहीं है थोड़ा मतलब बिट एक्सपेंसिव है थोड़ा सा मतलब अभी अंडर पॉकेट के लिए मेरे पॉकेट के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन ड्यूक 390 से कंपेयर करेंगे भाई वो अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है, लेकिन पावर बहुत पावर इसमें बहुत है एज कम्पेयर क्योंकि वो 390 सीसी है ये भाई 650 सीसी है तो पावर एकदम बहुत बढ़िया होने वाला है। तो होप करता हूँ कि ये वाला एक छोटा सा वीडियो है तो ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो बोल गया पैर थोड़ा सेफ्टी मतलब आपको इधर सेफ्टी करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं चला सकते। अभी छोटा सा वीडियो बनाना था बोल के ऐसे चला रहा हूँ, लेकिन इसके साथ बहुत सेफ्टी करना पड़ेगा नहीं तो पैर वैर जल सकता है। तो होप करता हूँ कि छोटा वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करने का, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।